हाय, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल तीनों का प्रयोग कहाँ किया जाता है और इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल तीनों का ही प्रयोग किसी भी चीज की क्वांटिटी या अमाउंट को बताने के लिए किया जाता है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि हमेशा लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल इनका प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। अनकाउंटेबल क्या होता है? जिसे हम गिन नहीं सकते। ठीक है, ऐसी चीजों को बताने के लिए उसके पहले हम लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल का प्रयोग करते हैं। अब बारी बारी से देखते हैं कि तीनों में क्या अंतर है। सबसे पहले ले लेते हैं लिटिल। लिटिल का अर्थ होता है बहुत कम, न के बराबर। ठीक है, इसे इंग्लिश में कह सकते हैं हार्डली एनी और नॉट मच। ठीक है, अब इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं? लिटिल का प्रयोग नेगेटिव सेंस में किया जाता है। अगर हम वाक्य में लिटिल लिख रहे हैं तो वाक्य जो है नेगेटिव भाव देता है। ठीक है, और लिटिल की जगह आप वेरी लिटिल का भी प्रयोग कर सकते हैं। सेंटेंस देख लेते हैं। आई हैव लिटिल टाइम टू वेस्ट। ठीक है, आई हैव लिटिल टाइम टू वेस्ट, इसका क्या अर्थ हो गया? मेरे पास बर्बाद करने के लिए न के बराबर समय है। मेरे पास बर्बाद करने के लिए बहुत कम अर्थात न के बराबर समय है। ठीक है, ये तो हो गया लिटिल। अब आ जाते हैं अ लिटिल पे। अ लिटिल का क्या अर्थ होता है? अ लिटिल का अर्थ होता है थोड़ा सा या कुछ। ठीक है, अ स्मॉल अमाउंट और सम, बहुत ही इजी है। और इसका जो प्रयोग है ये वाक्य को पॉजिटिव भाव देता है। वाक्य को पॉजिटिव भाव देने के लिए हम अ लिटिल का प्रयोग करते हैं। आप अ लिटिल की जगह अ वेरी लिटिल भी यूज कर सकते हैं। आइए सेंटेंस देख लेते हैं। प्लीज गिव मी अ लिटिल सॉल्ट और प्लीज गिव मी अ लिटिल वॉटर। तो यहां पर इसका अर्थ क्या हो जाएगा? मुझे थोड़ा नमक दे दो, मुझे थोड़ा पानी दे दो। अब अगला ले लेते हैं हम द लिटिल। द लिटिल का क्या अर्थ होता है? यस, द लिटिल का अर्थ होता है अ स्मॉल अमाउंट बट ऑल दैट इज देयर। इसका क्या अर्थ हुआ कि जो थोड़ा सा वह सब, मतलब जो थोड़ा सा है वह सारा। ठीक है, सेंटेंस के थ्रू इसको समझते हैं। आई स्पेंड द लिटिल मनी आई हैड, इसका क्या अर्थ हुआ? मेरे पास जो थोड़ा पैसा था वह सब मैंने खर्च कर दिया। ठीक है, होप अ लिटिल, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल तीनों आपको क्लियर हुआ होगा। और होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।